कल हमने बच्चों डिस्कस किया था आपसे रिगार्डिंग द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स, राइट। चलो आज हम उसी को यूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे RCOH को, कार्बोक्सिलिक एसिड को। बच्चों इस कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स यूज होगा ओइक एसिड, याद है, और इसका प्रीफिक्स क्या बनेगा बच्चों, कार्बोक्सी बनेगा, बिल्कुल ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन ऑफ COOH ग्रुप, ये वाला कार्बन, ये जो कार्बन है ना COOH ग्रुप का, शुड बी अ पार्ट ऑफ चेन विद हाई प्रायोरिटी। इसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कल प्रायोरिटी लिस्ट लिखवाई थी ना आपको, तो उसमें सबसे ऊपर यही था ना। देखो आप लोग प्रायोरिटी लिस्ट याद नहीं करके आया लगता है। जैसे ये कंपाउंड है बच्चों, विजिबल है, ओके, सो यहीं से आपने नंबरिंग शुरू करनी है। अब चाहे चेन बड़ी हो जाए या चेन छोटी रह जाए, ठीक है। अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे तो टोटल कार्बन कितने हो गए बच्चों, 4। रूट वर्ड क्या बन गया, ब्यूट, और सफिक्स क्या हो गया, ओइक एसिड। तो कंप्लीट नेम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, राइट। समझ आ रहा है इतना बच्चों, सपोज ये कंपाउंड है हमारे पास। अब चाहे इसमें डबल बॉन्ड है, चाहे चेन लंबी है या छोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नंबरिंग शुरू यहीं से ही करनी है, ठीक है। एंड दिस वन विल बी द 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। और बच्चों ये सेकंड कार्बन पर ब्रांच मिल गई, ब्रांच का नाम हो गया इथाइल, तो इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा 2-ethyl। रूट वर्ड क्या बनाया बच्चों इसके लिए, हेक्स, हेक्स 4-1-4-in-1 ओइक एसिड। और इन के लास्ट में अगर वॉवल आता है तो हम लास्ट वाला ई निकाल देते थे, कल बताया था ना आपको, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए नोट करिए, फिर मैं आपको और कंपाउंड देता हूं यहां पर। कंपाउंड का नाम लिखा बच्चों, अच्छा अभी नोट कर रहे हो, ठीक है, करिए करिए।
डन बच्चों। ओके देखो एक और प्रैक्टिस करते हैं, लुक एट द स्क्रीन। यहाँ दो एसिड ग्रुप है बच्चों, किसी एक से शुरू करके आपको किसी दूसरे पर एंड करना होगा, लेकिन लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग हम लोकेशन देखें तो 1, 2, 3 टू पर ब्रांच है, 3 पर ब्रांच है, और इधर से आते बच्चों तो 1, 2, 3, 4, 5 टू और 5 पर आती, तो लोएस्ट लोकेंट रूल हो गया। क्लियर? तो इट विल बी नाउ 4, इट विल बी 5, इट विल बी 6 एंड इट विल बी 7। क्लियर है बच्चों नंबरिंग? कोई डाउट तो नहीं? अब दिस विल बी नाउ 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ये ब्रांच की ब्रांचेस आ गई, तो इसका नाम पेरेंथेसिस में हो जाएगा 3। बताओगे इसका नाम क्या लिखें? 2-methyl cyclo prop 1-ene-IL। क्लियर है इतना? टू, बिल्कुल ठीक है, अब तो ठीक है। वेरी गुड, 2-6-dimethyl भी हो गया, राइट? और उसके बाद बन जाएगा ये हेप्टेन 1-7-dioic एसिड, राइट? हेप्टेन 1-7-dioic एसिड। क्लियर है बच्चों? चलिए एक और लिखते हैं। अब हम हो गया बच्चों?
चलिए डिस्कस करें बच्चों। बच्चों इस केस में आपके पास डबल बॉन्ड है, क्लोरीन है, आइसोप्रोपाइल है, मिथाइल है, क्लोराइड है, डबल बॉन्ड है, आइसोप्रोपाइल और दो एसिड ग्रुप है। तो इतना तो हमें क्लियर है कि एसिड से शुरू करके एसिड पर एंड करना होगा, लेकिन प्रायोरिटी आपको एसिड के बाद डबल बॉन्ड को देनी चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट में देख लीजिए। तो जब आप प्रायोरिटी इसको देंगे तो वन के बाद टू, देन थ्री, देन फोर, फाइव एंड सिक्स। नंबरिंग क्लियर है बच्चों? अच्छा बच्चों, इस ब्रांच का नाम क्या लिखें? आइसोप्रोपाइल। ये आपके पास हो जाएगा क्लोरो, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा बच्चों? मिथाइल। इज दैट क्लियर? तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले किसका नाम लिखें? फोर क्लोरो, टू आइसोप्रोपाइल, फाइव मिथाइल। इज दैट क्लियर? आगे इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेक्स वन, सॉरी हेक्स टू इन वन सिक्स डाइओइक एसिड। क्लियर है बच्चों इतना? देखो कोई डाउट तो नहीं है? बच्चों देखो बच्चों, नंबरिंग कहां से शुरू करें? एसिड से। ये वन, this one is 2, this is 3, this is 4, this one is 5 and this one is 6. Is that clear? हमारे पास दो ब्रांच है, एक है 3 पर, एक है 4 पर। 3 पर है आइसोप्रोपाइल और 4 पर है मिथाइल, राइट? सॉरी बिल्कुल ठीक है जी, साइक्लोप्रोपाइल, थ्री साइक्लोप्रोपाइल, फोर मिथाइल, आगे कंपाउंड सिक्स कार्बन हेक्स, हेक्स के बाद ये हो गया आपके पास प्राइमरी सफिक्स
फाइव पर ईन है और वन पर ओइक एसिड है। अब चाहे वन लिखे या ना लिखे, एक साथ लिख देंगे तो इनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, नोटेड। चलिए रब करते हैं इसको। अच्छा आप लोग खा लीजिए पहले प्रसादा, फिर बात करते हैं। लास्ट वाले बच्चों को नहीं मिला। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। अब इसी का एक सेकंड पार्ट और है, पार्ट टू। देखो अगर आप किसी भी तरीके से एक ऐसा कंपाउंड बनाए या आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिया हो जिसमें तीन या उससे ज्यादा, लिसन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें थ्री और मोर देन थ्री एसिड ग्रुप्स आर देयर एंड दे ऑल आर अटैच विद द मेन चेन, मेन चेन से ही तीनों एसिड लगे, तीन हो सकते हैं उससे ज्यादा हो सकते हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, एक और एग्जांपल लिखा हमने बच्चों। यहां पर भी हमारे पास तीन एसिड हैं, लेकिन ये तीनों एसिड वन टू एंड थ्री एक ही चेन का हिस्सा नहीं है, नॉट द पार्ट ऑफ सिंगल चेन। दिस एसिड इज अटैच विद दिस कार्बन, दिस लास्ट एसिड इज ऑल्सो अटैच विद द कार्बन विच इज ऑफ द सेम चेन, लेकिन ये वाला एसिड इस कार्बन के साथ नहीं है, रादर ब्रांच के साथ है। आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है बच्चों? इसमें जो तीन एसिड है वो एक ही चेन का पार्ट है और इसमें जो तीन एसिड है दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सेम चेन, राइट। आप कैसे भी चेन लीजिए, अगर सपोज हम इसी को चेन बदल दे, सपोज हम ऐसे चेन ले लें, तो भी आपको ये वाला एसिड और ये वाला एसिड एक चेन का पार्ट मिलेंगे और ये वाला एसिड चेन से हट जाएगा। तो यहां दो केसेस बनते हैं। एक वो केस है जिसमें मोर देन टू एसिड्स आर द पार्ट ऑफ वन चेन, सेकेंड वो केस है मोर देन टू एसिड बट ऑल द थ्री एसिड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ सेम चेन, राइट। तो फर्स्ट वाले केस के लिए, मतलब इस वाले केस के लिए, हम तीनों को तो चेन का हिस्सा नहीं बना सकते काउंटिंग करते समय। यहां से शुरू करेंगे अगर वन टू थ्री फोर फाइव तो ये छूट जाएगा, और अगर आप वन टू थ्री फोर करते तो चेन भी छोटी होगी और ये वाला पार्ट छूट जाएगा, राइट। तो रूल सेज, रूल है कि हमें तीनों को एक्सक्लूड कर देना चाहिए, मतलब तीनों इंक्लूड नहीं कर सकते तो हम तीनों को क्या कर देते हैं बच्चों, एक्सक्लूड कर देते हैं, राइट। और अगर हम इसको एक्सक्लूड करते हैं तो सिर्फ लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग इनको नंबर कर देते हैं, दैट इज वन टू थ्री, और दूसरा सफिक्स भी बदल देते हैं। सफिक्स यूज होगा
कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या सफिक्स यूज होगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स बदल गया, इससे पहले कौन सा सफिक्स यूज कर रहे थे हम इसके लिए? ओइक एसिड। ओइक एसिड तब है जब कार्बन चेन का हिस्सा है, ठीक है। जैसे अगर हमने लिख दिया CH2COOH, तो दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब सफिक्स क्या इस्तेमाल होगा इसका? ओइक एसिड, बिकॉज वी हैव गिवन द नंबर 1 टू द एसिड। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में क्लियर हो रहा है बच्चों आपको? अब अगर ये ओइक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। और अगर आप इसको नाम लिखोगे तो नाम होगा इसका प्रोपेन, सॉरी पेंटेन, पेंटेन 1,5-डायोइक एसिड। क्लियर है बच्चों इतना पॉइंट? दोनों में कोई आपको कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। तो पहले ये नोट करिए, फिर इस केस को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों? रब कर दें। नहीं बच्चों, कर दे रहा ओके। एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों, हम इसी से रिलेटेड। जैसे अगर हमारे पास है CH2CH, सपोज ये मॉलिक्यूल है बच्चों हमारे पास, इसमें भी हमारे पास कितने एसिड है? 3 एसिड है, एंड ऑल द 3 आर अटैच विद द मेन चेन। देखो ये वाला एसिड भी इस कार्बन से है, इसी कार्बन की चेन आगे चलेंगे तो सेम कार्बन की चेन से एसिड आ गया,
और आगे चलेंगे तो फिर से सेम कार्बन की चेन से एक और एसिड आ गया, लेकिन इसमें एक OH भी आ गया। ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, एसिड या OH? एसिड। अब लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग हमें तीनों एसिड को तो बाहर रखना पड़ेगा चेन से, राइट? तो नंबरिंग शुरू हो जाएगी 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट? अब ज्यादा प्रायोरिटी एसिड को है तो इस OH का यूज होगा प्रीफिक्स, जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी उसका सफिक्स और जिसकी कम प्रायोरिटी उसका प्रीफिक्स। लो प्रायोरिटी प्रीफिक्स, हाई प्रायोरिटी सफिक्स। अच्छा जरा आपको जो कल लिखवाया था OH का प्रीफिक्स देखकर बताओ, याद तो करके आए नहीं होगे आप लोग। प्रीफिक्स बताना, हाइड्रोक्सी, परफेक्ट। और प्रीफिक्स है तो रूट वर्ड से पहले आ जाएगा बच्चों, तो इट विल बी 2-hydroxy, ठीक है? रूट वर्ड क्या बनेगा, पेंट। और पोजीशन क्या है ओइक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, 1, 3, 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ रहा है थोड़ा? बच्चों इस केस में आपको नंबरिंग शुरू करनी होगी एसिड से या किसी और से? डबल बॉन्ड को इंक्लूड करोगे? देखो आप एक काम करिए, हमें ऐसी चेन लेनी होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा एसिड आ जाए। अब मैं इसको यहां से लिखना शुरू करता हूं। देखो बच्चों, जो थोड़ा डार्क कर दिया है, ये एक ही चेन बन सकती है, ना एक ही चेन, और ये तीनों एसिड एक ही चेन का पार्ट हो गए। अगर आपने मान लो डबल बॉन्ड से शुरू करना यूज करना शुरू किया तो ये डबल बॉन्ड की चेन यहां से यहां आ जाएगी, ये एसिड मेन चेन का पार्ट नहीं बन पाएगा। समझ आ रहा है इतना? तो हमें तो एसिड को प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को,
एसिड को, इसीलिए हमने डबल बॉन्ड को छोड़ दिया, डबल बॉन्ड को बाहर ही रखा, ठीक है। ओके, अब नंबरिंग करते समय दिस इज वन, दिस इज टू, दिस वन इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव एंड दिस वन इज सिक्स। आपके पास सेकेंड कार्बन पर एक ये ब्रांच बन गई, अब ये ब्रांच हो गई ना, और ये ब्रांच है आपके पास सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू वाली ब्रांच, देख लीजिए ये सी एच, ये डबल बॉन्ड सी एच टू होगा ना यहां बेटा। इस ब्रांच का नाम है विनाइल, क्या नाम है इसका, विनाइल, ठीक है, और इथिनाइल। आप कुछ भी लिख सकते हैं, विनाइल भी और इथिनाइल भी। अब जरा कंपाउंड का नाम लिखना फिर से, क्या नाम लिखोगे इसको, टू इथिनाइल, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। तो टू विनाइल लिखिए या इथिनाइल लिखिए। नेक्स्ट इज हेक्स, वन थ्री फाइव ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हाँ जी बेटा बोलो। किस क्वेश्चन में, पेंट नहीं प्रोपो, पेंट था तो ये स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से, यही था देखो। yes, sir. तो नेचुरली नंबर शुरू होगा वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन की चेन, ठीक है। हमने किसी भी एसिड को चेन का हिस्सा नहीं बनाया था, यहां पर भी आपने किसी भी एसिड को चेन का पार्ट नहीं बनाया। अभी क्लियर है, एन इसलिए नहीं लिखा बेटा क्योंकि वहां जो मेन सफिक्स है, जो मेन सफिक्स है वो है ओइक एसिड। जब हम रूट वर्ड लिखते हैं तो बच्चों लिखते हैं ना पेंट प्लस एन, लेकिन इस बार सफिक्स बदलना पड़ेगा ना आपको। सफिक्स क्या है, क्या लिखवाया था, प्रोपेन, अच्छा लास्ट में ही तो नहीं था, प्रोपेन में ऐसे लिखा था ना। हाँ, अगर आप चाहें तो प्रोप लिखें या प्रोपेन लिखें विदाउट ई, पेंटेन लिखें विदाउट ई, या पेंट लिखें, हेक्सेन लिखें विदाउट ई, या हेक्स लिखें, सेम थिंग। ज्यादा प्रायोरिटी हम हेक्स पेंट और प्रोप को देते हैं, लेकिन वो भी इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन लास्ट में ही नहीं लिखना। अब तो ठीक है, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ। ओके, नेक्स्ट बच्चों अब इस पार्ट पर आते हैं, इंपॉर्टेंट वन है। देखो यहां पर जैसा आपने डिस्कस किया था आपसे कि तीनों एसिड एक ही चेन का पार्ट नहीं है,
तो जब तीनों एसिड एक ही चेन का पार्ट नहीं है तो हम तीनों को एक्सक्लूड नहीं करते, रादर हम दो को इंक्लूड करके एक को एक्सक्लूड करते हैं। तो नंबरिंग यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 आप नोट करके लिख सकते हो यहां पर ऑल द 3 COH ग्रुप, ऑल द 3 COH ग्रुप all the 3 COH group are not the part of same chain, are not the part of same chain. Not the part of same chain. Therefore, only 2 can include and the third one should be excluded. And the third one should be excluded and used as prefix. Used as prefix. तो बच्चों यहां पर जैसा हमने लिखवाया कि ये दो एसिड तो चेन का पार्ट बन गए, लेकिन ये वाला हिस्सा दिस पार्ट चेन का हिस्सा नहीं है, तो इसको हम प्रिफिक्स की तरह ही इस्तेमाल करेंगे। अगर चेन का पार्ट रहता जैसे यहां था तो सफिक्स आएगा, अदरवाइज इसको हम एक्सक्लूड कर लेंगे और प्रिफिक्स बन जाएगा। अब ये प्रिफिक्स बनेगा तो इस पार्ट का प्रिफिक्स क्या है बच्चों? कार्बोक्सी। और CH3 का या CH2 का प्रीफिक्स क्या है बच्चों? मिथाइल। ठीक है, तो ये पूरा प्रीफिक्स क्या बन गया? कार्बोक्सी मिथाइल। क्या प्रीफिक्स बन गया? कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है, तो अब कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? 3 कार्बोक्सी मिथाइल। रूट वर्ड क्या हो जाएगा? पेंटेन। आगे 1,5-dioic acid, पेंटेन 1,5-dioic acid। Name the structure.
बच्चों इस केस में किसी ने नाम लिखा है क्या? अच्छा जी, आपने नंबरिंग शुरू किया यहां से? Yes, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. किसी को नंबरिंग में डाउट है? अब यहां पर आपको ब्रांचेस किस किस लोकेशन पर मिलेंगी बच्चों? 2 पर 3 पर 4 पर, राइट? कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को भी? ओके, तो आपके पास 2 पर क्या है? मिथाइल. 3 और 4 पर क्या है? नहीं, कार्बोक्सी मिथाइल है ना. तो ये हो गया आपके पास 2, 3 bis. कल लिखवाया था आपको ब्रांच हैविंग ब्रांचेस. थ्री फोर बिस कार्बोक्सी मिथाइल. क्लियर हुआ? और आगे क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल. डाई यूज नहीं करना, ट्राई यूज नहीं करना, क्योंकि ब्रांच हैविंग ब्रांचेस है. मिथाइल की भी आगे ब्रांच आ गई, मिथाइल की आगे ब्रांच आ गई कार्बोक्सी. ठीक है, तो अब इसका नाम हो जाएगा कंप्लीट हेक्सीन. हेक्सीन 1, 7 डाई ओएक एसिड. रिमेंबर, क्लियर है बच्चों? हाँ जी बेटा. नहीं, कार्बोक्सी मिथाइल एक ब्रांच नहीं है, ब्रांच की ब्रांच है. अगर सिर्फ CH3 होता तो ब्रांच क्या लिखते हैं आप? बोलो. मिथाइल. और यहां से हटकर CH2COH, ये भी ब्रांच है. हाँ, उसका नाम एक साथ लिखा गया है लेकिन वो भी ब्रांच की ब्रांच है. ठीक है, चलिए एक और कंपाउंड देते हैं अब आपको. हेप्टाइन तो लिख. अच्छा जी, हेप्टेन. ठीक है, अब जैसे ये कंपाउंड है आपके पास, ये कंपाउंड ऐसा है जिसमें एसिड डायरेक्टली रिंग का पार्ट है. अगर एसिड डायरेक्टली रिंग का पार्ट है तो नंबरिंग आपको रिंग के कार्बन से करनी पड़ेगी. अगर एसिड डायरेक्टली रिंग का पार्ट है तो नंबरिंग रिंग के कार्बन से करनी है. लेकिन अगर बीच में एक और कार्बन आ गया रिंग और एसिड के, तब नंबरिंग आप एसिड से ही करेंगे. क्लियर है? रूल्स है. नंबरिंग कहां से शुरू होगी? अगर एसिड और रिंग के बीच में कोई कार्बन नहीं है तो रिंग से, और अगर एक भी कार्बन बीच में आ जाता है तो नंबरिंग कहां से शुरू होगी? एसिड से. ठीक है, अब जैसे इस कंपाउंड का नाम है, एसिड को प्रायोरिटी दी आपने और क्या कंपाउंड का नाम लिख दिया? 2-cyclohexyl इथेनोइक एसिड. यही है ना? ठीक है, लेकिन अगर आपने ये नंबरिंग की है, मतलब इस ये कंपाउंड है हमारे पास ये वाला, ध्यान दो. तो देखो बेटा, एसिड तो मोर प्रायोरिटी होते हुए भी नंबर वन पोजीशन नहीं गेन कर पाया. हमने नंबरिंग कहां से शुरू की? रिंग के कार्बन से. समझ आ रहा है इतना?
तो बेसिकली ये हम ना चाहते हुए भी कंपाउंड ऐसा है उसको बाहर रखना पड़ गया, और अगर इससे बड़ा ग्रुप नहीं है और इसके कार्बन को आपने इसकी तरह नंबर नहीं दिया तो यहां पर फिर से प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स कौन सा इस्तेमाल हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद है अभी हमने यूज किया था कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर तीन या उससे ज्यादा थे मेन चेन पर, जब हम चेन के कार्बन को या एसिड के कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे तो हमने प्रीफिक्स सफिक्स बदल दिया था, सफिक्स किया था कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कंडीशन याद करो, इसमें से कौन सा कार्बन था चेन का, 1 2 3 यही थे, ये सारे बाहर थे। सफिक्स क्या यूज किया इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम सिचुएशन, या हमने डेलिब्रेट किया था या मजबूरी में करना पड़ रहा है, लेकिन रूल तो रूल ही रहेंगे। आपको समझ आ रहा है ये पॉइंट? तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या लिखा जाएगा बताओगे? साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? एक और एग्जांपल लिख लीजिए फिर। अब यहां पर सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है बच्चों? कौन सा ग्रुप है सबसे बड़ा? कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग रिंग के कार्बन से शुरू करें, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड देन 6। रिंग तो कवर करनी है पूरी बच्चों। ये 5 पर CH2 ग्रुप, यहां ध्यान से देखो, ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच हो गया। इस ब्रांच का नाम, वेरी गुड, और ये डबल बॉन्ड CH2 अगर ब्रांच है तो इस ब्रांच का नाम है मिथाइलीन। ब्रांच का नाम है मिथाइलीन। अब अल्फाबेटिकली M पहले आएगा या I? I, इसीलिए हमने नंबरिंग इधर से शुरू कर दी। कंपाउंड का पूरा नाम क्या लिखें? 3-isopropyl-5-methylene। आगे? नहीं नहीं नहीं, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अरे शांत बैठो। ठीक है बच्चों, चलिए अब सेकंड ग्रुप आता है, एस्टर। एस्टर में RCOOR ये ग्रुप है। इसमें ये दोनों ग्रुप R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। R डैश कैन बी इक्वल टू R और कैन नॉट बी इक्वल टू R, दोनों ही बातें। दूसरा, R डैश कैन नेवर बी H, बट R कैन बी H मिथाइल इथाइल और एनीथिंग। लेकिन R डैश कभी भी H नहीं करना आपने, ये वाला R डैश कभी भी H नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इसको H कर दिया तो ग्रुप बदल जाएगा। ग्रुप क्या बन जाएगा?
एसिड, एसिड बन जाएगा ना, तो हम ग्रुप तो नहीं बदल सकते, इसीलिए ये R डैश कभी भी H नहीं होगा। ठीक है, वन पार्ट, ये पार्ट ऑक्सीजन से लगा हुआ एल्काइल है और ये पार्ट एल्केनोएट है। मैं लिख देता हूं यहां पर फिर से, R C डबल बॉन्ड O O R डैश, ये पार्ट है एल्काइल और ये पार्ट है एल्केनोएट। और जब भी आप नाम लिखेंगे कंप्लीट तो एल्काइल फिर एल्केनोएट, राइट, और प्रायोरिटी इसी कार्बन को दी जाएगी, मतलब नंबर वन यहीं से आएगा। लिख लिया बच्चों? अब देखो यहां पर अगर हम लिख देते इसको CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, सिंपल एकदम कंपाउंड, तो ये कितने कार्बन है बच्चों? वन, और ये कितने कार्बन हो गए? टू। तो इसका आपने नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल, ये मिथाइल हो गया ना, लिखवाया देखो, एल्काइल, एल्काइल मतलब मिथाइल हो गया। दो कार्बन, रूट वर्ड बिल्कुल ठीक, इथेनोएट, राइट। नेम द मॉलिक्यूल, देखो नंबरिंग शुरू करेंगे इस वाले कार्बन से, 1 2 3 4 5, इस साइड कितने कार्बन हो गए बच्चों? यहां पर टू, तो कंपाउंड में इस साइड पर तो हो गया पेंट ओएट और थ्री पर इन, और इधर हो गया इथाइल, तो कंपाउंड का नाम ले क्या लिखना चाहिए आपको? इथाइल, आगे पेंट थ्री इन वन ओएट, और चाहे तो वन को हटा दे तो कंपाउंड हो जाएगा इथाइल पेंट थ्री इनोएट, राइट। ठीक है बच्चों, Thank you.
नेम द स्ट्रक्चर. बच्चों नेम लिख लिया आप लोगों ने. अरे एक मिनट, हमने जरा थोड़ी गड़बड़ कर दी बच्चों. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हाँ जी बच्चों, क्या नाम लिखा है इसका? ये नंबरिंग की होगी. तो फर्स्ट नेम इज व्हाट? कोई बताएगा नाम? ठीक है. थ्री क्लोरो या थ्री ब्रोमो? ओके, थ्री ब्रोमो, परफेक्ट. फोर मिथाइल, हेक्स, फोर इन. ओए बिल्कुल ठीक है. तो पहले आपने नाम लिखना है इथाइल और उसके बाद ये नाम लिखना है, यही है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इथाइल, then 3 bromo, then 5 chloro, then it will be 4 methyl, then hex 4 enoate. ठीक है. बातें नहीं, बातें नहीं, बिल्कुल भी. अच्छा, इसका प्रीफिक्स क्या है बच्चों? अल्कोक्सी कार्बोनाइल. या कार्बल्कोक्सी. ठीक है,
दोनों ही है, कार्बन कॉक्सी एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। प्रीफिक्स तब इस्तेमाल करेंगे जब इससे बड़ा ग्रुप होगा मेनली, तो जैसे ये है हमारे पास। अब यहां एक एस्टर भी है, एसिड भी है, ज्यादा प्रायोरिटी एसिड को है। तो नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर एस्टर की प्रायोरिटी कम हो गई बच्चों, तो जैसा अभी लिखा था कि ये क्या है हमारे पास, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स किससे पहले लिखा जाता है, रूट वर्ड से पहले, रूट वर्ड के बाद, रूट वर्ड से पहले। तो यहां बता सकते हो कितनी ब्रांचेस हो गई आपके पास, दो ब्रांच हो गई, एक तो ये हो गई ना मिथाइल, और एक ये, इस ब्रांच का नाम बोलो, इस ब्रांच का नाम, इसका नहीं पता, ऊपर लिखा तो है हमने, देखो इधर ध्यान दो, क्या नाम लिखा है बच्चों इसका, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल लिखा है ना। तो देखो बेटा, एल्कॉक्सी दो वर्ड से मिलकर बना है, अल्काइल प्लस ऑक्सी, तो ये हो गया अल्काइल, ये हो गया ऑक्सी, मतलब ये पूरा पार्ट क्या हो गया आपके पास, अल्कॉक्सी, ठीक है, और ये पूरा पार्ट क्या हो गया, कार्बोनाइल। तो इस ब्रांच का नाम क्या लिखे हम, मिथॉक्सी, मिथाइल विद ऑक्सीजन, क्या नाम हो गया, मिथॉक्सी कार्बोनाइल, समझ आ रहा है इतना। तो कंप्लीट नेम क्या लिखे, टू मिथाइल, बातें नहीं है, लास्ट बेंच, क्या कर रहे हो तुम लोग, टू मिथाइल, फोर मिथॉक्सी कार्बोनाइल, नेक्स्ट वन, हेक्सेनोइक एसिड। मैं दोबारा बता देता हूं, देखो बच्चों इस कंपाउंड में आपके पास दो ग्रुप है ना, एक एसिड और एक एस्टर, इतना तो क्लियर है, अरे इतना क्लियर है या नहीं, ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे आप, बोलो किसको ज्यादा प्रायोरिटी दें, एसिड। तो नंबरिंग यहां से शुरू हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबरिंग क्लियर है। अब ये जो एस्टर हमने लिखा है, इसका सफिक्स यूज होगा या प्रीफिक्स, बोलो, ज्यादा प्रायोरिटी जिसकी होगी उसका सफिक्स, और कम प्रायोरिटी रहेगी उसका प्रीफिक्स। तो बच्चों इस पार्ट का क्या ना, इसका क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे ना। अब यहां पर देखो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स क्या है इसका, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल है, एल्कॉक्सी का मतलब होता है अल्काइल विद ऑक्सीजन, तो ये हो गया एल्कॉक्सी, और ये हो गया कार्बोनाइल, ये इतना हिस्सा। तो एल्कॉक्सी अल्काइल, अल्काइल यहां पर एक कार्बन का है, कितने कार्बन का, एक, एक कार्बन का अल्काइल मिथाइल हो गया, उसके साथ ऑक्सीजन भी जुड़ेगा, ऐड होगा, तो क्या नाम हो गया इसका, इतने हिस्से का क्या नाम हो गया, मिथॉक्सी, और बाकी पार्ट का नाम क्या हो गया, कार्बोनाइल। तो पूरे प्रीफिक्स का नाम क्या हो गया, नहीं, मिथॉक्सी कार्बोनाइल। अभी थोड़ा क्लियर हुआ, मिथॉक्सी कार्बोनाइल।
बच्चों आप कौन सा बड़ा ग्रुप है इसमें? अच्छा 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 लिख लिया सभी ने फ्रंट रो। बच्चों ज्यादा प्रायोरिटी किस ग्रुप की है बताओ जरा? एसिड की। तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री और ये हो गया फोर। आगे ब्रांच बन गई, ये ब्रांच का प्रीफिक्स क्या होगा? वेरी गुड। पोजीशन भी बता दो, फोर इथॉक्सी कार्बोनाइल और रूट वर्ड ब्यूटेन। तो ये बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, लिखा बच्चों? अब एक और कंपाउंड आप लिखते हैं। अब यहां पर भी एस्टर डायरेक्टली किससे लगाए बच्चों? रिंग से लगाए। प्रीवियस केस की तरह एग्जांपल हो गया, जब हम एसिड को डायरेक्टली रिंग से लगाते हैं तो नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं? रिंग के कार्बन से। तो यहां पर भी नंबरिंग शुरू होगी रिंग के कार्बन से। एस्टर को, एस्टर से बड़ा ग्रुप कोई नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, एस्टर से बड़ा ग्रुप तो कोई नहीं है इस कंपाउंड में, और हम एस्टर के कार्बन को इंक्लूड भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सफिक्स बदल देते हैं और सफिक्स है अल्काइल कार्बोक्सिलेट। जैसे यहां पर आपने सफिक्स क्या बदल दिया था? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर भी हम सफिक्स बदल देंगे एंड इट विल बी अल्काइल कार्बोक्सिलेट। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर ये पार्ट हो गया अल्काइल और ये पूरा पोर्शन हो गया कार्बोक्सिलेट का। तो इस कंपाउंड का नाम होगा इथाइल साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलेट या वन कार्बोक्सिलेट। अच्छा, अगर आपके पास कंपाउंड हो ये,
तो इस कंपाउंड का क्या नाम लिखेंगे? तीनों चेन से बाहर हो गए, 1 2 3। कंपाउंड का नाम प्रोपेन, 1 2 3। ट्राई मिथाइल कार्बोक्सिलेट, ठीक है। एक और कंपाउंड लिखते हैं अब आगे, नेक्स्ट। हाँ जी, क्या हुआ? टाइम हो गया? ऐसे कैसे बातें कर रहे हो बच्चों? अभी तो हमें बहुत जिंदगी देखनी है, हैं? अभी तो देखा ही क्या हमने जिंदगी में, अभी लाइफ बहुत बड़ी है। तुम कह रहे हो टाइम हो गया, हैं? अच्छा, ऐसे ऐसे बोलो फिर, ऐसे बोल रहे हो सर टाइम हो गया, ऐसे थोड़ी बोलते हैं बच्चों, हैं? गलत बात है, तुम लोग मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हो, हैं? ऐसे बोलो ना बच्चों के सर क्लास का टाइम हो गया, हाँ? कोई बात नहीं, हो गया तो एक मिनट और लेते हैं, हम उधार ले लेते हैं आप लोगों से। हाँ जी, कल भी क्लास है हमारी आपके साथ। क्लास है आपकी हमारे साथ, कल ये सफिक्स प्रिफिक्स याद करके आना, पक्का? ठीक है, अच्छा।